नाम डॉक्टर आदि आर्या है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग नई दिल्ली में बच्चों के बाल हृदय रोग विभाग में वरिष्ठ सलाहकार हूँ। आज हम बात करेंगे फीटल इकोकार्डियोग्राफी के बारे में, इसके पूर्णतः क्या इंडिकेशंस हैं, किन माताओं में ये ज़रूरी है करना और इसके क्या फ़ायदे हैं करने के, और किस वीक ऑफ जेस्टेशन पे, कितने ट्राइमेस्टर्स पे ये टेस्ट किया जाना चाहिए, ये पूर्णतः सेफ है कि नहीं है प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, और अगर बच्चे को कोई हार्ट डिजीज़ निकल आती है तो आगे हमारे को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट बात ये रहती है कि किन माताओं में ये टेस्ट अनिवार्य है, तो इसके पूर्णतः 5 मेजर इंडिकेशंस हैं कि ये किन किन प्रेग्नेंट लेडीज़ में इंडिकेटेड है। अगर तो माता या पिता में से किसी को भी हार्ट की डिजीज़ रही हो तो ये टेस्ट अनिवार्य है, कि बच्चे में भी हार्ट की डिफेक्ट होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है तो ये अनिवार्य माना जाता है। पिछली प्रेगनेंसी या पिछला बच्चा इससे ग्रसित रहा हो तो भी ये टेस्ट अनिवार्य रहता है बच्चे की हार्ट डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए। माताओं में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हार्ट की डिजीज़ का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि अगर माता को डायबिटीज़ है, उनको फिनाइल कीटोनूरिया है, उनको एसएलई नामक बीमारी है, तो इन सब में हार्ट डिजीज़ का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपने लेवल 2 स्कैन कराया है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी मिली है हार्ट की पोजीशन में, हार्ट के साइज़ में, या फिर जो हार्ट का रिदम है कि हार्ट का जो साइकिल है वो उल्टी सीधी चल रही है, तो भी फीटल इको एडवाइस किया जाएगा। या फिर हम देखें अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका अगर माता ने सेवन किया हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान तो उनकी वजह से भी हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी ये एडवाइस है कि फीटल इको द्वारा हम बच्चे के हार्ट का बनावट कैसी है उसको देख पाएँ। दूसरा सवाल ये होता है कि इसको किया कब जाए। इसको हम यूजली जब सेकेंड ट्राइमेस्टर, यूजली 18 से 22 हफ्ते के बीच में हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि तब तक हार्ट के ज़्यादातर पार्ट, हार्ट के ज़्यादातर चैम्बर्स, हार्ट की ज़्यादातर धमनियाँ सब बन चुकी होती हैं अच्छे से, और तब तक हम इस टेस्ट को आराम से कर सकते हैं, हमें अच्छे से दिखता है सारा हार्ट। तीसरा क्वेश्चन माताओं के मन में ये रहता है, क्या ये सेफ़ है, एक्सरे तो नहीं है, इससे बच्चे पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो ये पूर्णतः सेफ होती हैं, एक्सरेज नहीं होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, जैसे हम नॉर्मल एको करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं आपका, उसी वही वाली उस पर अल्ट्रासाउंड से ही ये टेस्ट किया जाता है, इसमें कोई एक्सरेज यूज़ नहीं होते हैं, तो पूर्णतः सेफ होता है प्रेगनेंसी में। चौथा जवाब हम ये सोचेंगे कि ये इससे फ़ायदा क्या है। अगर बच्चे को हार्ट डिजीज़ निकल आती है तो हमारे पास टाइम रहता है, और बहुत सारी स्टडीज़ भी ये बताती हैं, अगर बच्चे को ऐसी हार्ट डिजीज़ है कि हम पैदा होने के बाद उसकी प्रेगनेंसी जब फुल टर्म पे पहुंचेगी तो हम प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं, प्रेगनेंसी की डिलीवरी का ऑप्शन प्लान कर सकते हैं, और बच्चे की डिलीवरी ऐसी जगह करा सकते हैं जहाँ पे अगर पूर्णतः ज़रूरत पड़ती भी है डिलीवरी के बाद तो बच्चे को इमीडिएट अटेंशन मिल पाए जन्म के बाद, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं या कुछ ऐसी हार्ट की बीमारियाँ जिनको जन्म के तुरंत बाद ही ऑपरेशन की या फिर किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने देखा कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी से जो गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं उनमें भी हम हार्ट की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। उनको जल्दी पता लगाने का फ़ायदा ये है कि बच्चे को पैदा होने के बाद तुरंत अगर किसी भी आपातकालीन इमरजेंसी सर्जरी की या फिर किसी भी इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम प्लान कर सकते हैं। यही एक फीटल इकोकार्डियोग्राफी की एक मेजर यूज़ है, क्योंकि हम हार्ट डिजीज़ का जो मेजर कॉम्प्लिकेशन